नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील कुमावत और स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स विद एस के पर। अभी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है और इसी बात को आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, शुरुआत करते हैं। डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात, तो सबसे पहले तो हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाते हैं। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 60। ये आपने एक इनकम का लेवल दे दिया। अब हमको मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड में दो चीज होती है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को यदि आप प्लस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो कंजप्शन हमको मालूम है कि जीरो के लेवल पर भी कुछ ना कुछ तो खर्च होता ही होता है। तो मैं मान लेता हूं 10 रुपीज खर्च होता है। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन में जो बेस मान रहा हूं एमपीसी को बेस मान रहा हूं, यानी कि एमपीसी को मान रहा हूं 0.1। अब एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है कि इनकम जितनी बढ़ती है सब कितना हिस्सा कंज्यूम कर जाते हैं। मैं मान रहा हूं कि 50% जो है इनकम का कंज्यूम कर जाते हैं जैसे इनकम बढ़ी। तो ये जो आपके 10 रुपीज बढ़े हैं, इस 10 रुपीज का मैं 50% कंज्यूम कर गया, यानी 5 रुपीज कंज्यूम किया और 10 रुपीज तो पहले से कंज्यूम कर रहा था, तो अब कंजम्पशन कितना हो गया 15। फिर इसका 50% कंज्यूम किया मैंने, तो वो 10 और 10 अभी हो गया, तो ये हो गया 20। फिर इसका 50% यानी कि 15 और 10 पहले से कंज्यूम कर रहा था, तो 25 रुपए कंज्यूम होने लगे। फिर जो है कंजम्पशन इसका 20 और 10 30 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 40 हो गया। राइट, इस तरीके से आपने कंजम्पशन शेड्यूल बना लिया। इन्वेस्टमेंट हमको पता है, इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस कहते हैं। ऑटोनोमस मैंने मान लिया 5, 5, 5, 5, 5, 5 and 5। राइट, 10 और 5 में कितना हो गया 15, 15 और 5 ये हो गया 30, 20 और 15 होता है, 15 and 5, 25, 5 में बढ़ाता जाओ, 15, 5, 20, 25, 30, 5 फिर हो गया 40 और फिर हो गया 45। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया? तो आया एग्रीगेट डिमांड। इन दोनों को प्लस किया तो एग्रीगेट डिमांड आ गया। नेक्स्ट हमको चाहिए एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हम जो चीज फाइंड आउट करने वाले हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब चीजें किसी एक ऐसे लेवल पर आ जाए, यानी कि हम जितना कमा रहे हैं उतना खर्च हो जाए, ना तो खर्च ज्यादा ना इनकम ज्यादा, यानी इकोनॉमी जो है एक इक्वल लेवल पर चले, उस लेवल को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड हमने फाइंड आउट किया, अब हमें पता करना पड़ेगा एग्रीगेट सप्लाई। दरअसल यदि आप सिंपल वर्ड में बोले तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल खर्च, एक इकोनॉमी में टोटल खर्च कितना हो रहा है। तो टोटल खर्च तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम पता करते हैं टोटल इनकम। इनकम के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग, और इसका मतलब होता है इनकम, या हम बोल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई बोल दे या इनकम बोल दे या आउटपुट बोल दे, बात एक ही है। ठीक, कैल्शियम की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हम बात करें तो सारी बात एक ही है। अब कंजम्पशन तो ये दे रखा हमें सेविंग चाहिए। देखिए, 0 रुपीज कमा रहे, 10 रुपीज खर्च हो गए, तो सेविंग क्या होगी? सेविंग माइनस 10 होगी। 10 रुपीज कमा रहे, 15 रुपीज खर्च हो गए, तो सेविंग माइनस 5। जो पुराने पैसे होंगे वही तो खर्च करेंगे। 20 रुपीज खर्च कर रहे हैं, 20 रुपीज ही कमा रहे, 0 रुपीज आपकी सेविंग होगी। 30 रुपीज कमा रहे, 25 खर्च हो रहे, 5 रुपीज आपके बचेंगे, फिर 10 बच जाएंगे, फिर 15 बच जाएंगे, फिर 20 बच जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया सेविंग। इसमें आपको एक चीज तो यहां पर पॉइंट आउट करना है कि जहां पर आपकी सेविंग जो है जीरो हो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि आपके पास कोई सेविंग नहीं बच रही, जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा खर्च हो रहा है। एग्जैक्टली, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग। अब कंजप्शन और सेविंग को प्लस करेंगे तो आ गया जीरो, इसको प्लस किया मैंने 15 और माइनस 5 को तो ये आ गया 10, फिर इसको प्लस किया तो यह आया 20, फिर इसको प्लस किया यह आया 30, फिर ये प्लस किया मैंने तो यह 40, 50 और 60। अब आप एक बोलेंगे कि यार ये तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों एक ही बात एक ही जैसा है, तो एक जैसा ही आ रहा है। क्यों? इसकी जो बेसिक थ्योरी हम देखें तो हमने पढ़ रखा है कि सर्कुलर फ्लो जो है, सर्कुलर फ्लो में हम एक तरफ तो सारे टोटल एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे तो उसको ही हम एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, टोटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। बात है कि जो हम खरीदना चाहते हैं इसका मतलब हम खर्च भी करना चाहते हैं, तो जो हमारे खरीदने की इच्छा है यानी कि हमारे खर्च करने की इच्छा है, तो खर्च और एग्रीगेट डिमांड एक ही बात है। अब नेक्स्ट, इधर हमें जितने भी फैक्टर इनकम मिलते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सभी को यदि हम प्लस कर ले तो टोटल आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो टोटल आउटपुट जो है वही टोटल सप्लाई है, और टोटल आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, जितनी टोटल इनकम जनरेट हो रही है। तो टोटल इनकम बोलते हैं, टोटल आउटपुट बोलते हैं, या एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, बात एक ही है, राइट। क्योंकि यहां रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो भी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 20 रुपीज का पेन बन रहा है, इसको बनाने में 5 रुपए का रेंट लग रहा है, 5 रुपए की जो है आपको इसमें रॉ मेटेरियल लग रहा है, 5 रुपए की लेबर लग रही है और 5 रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सब जा कर रहा है, ये सब का सब किसी न किसी के पास इनकम के थ्रू ही जा रहा है, तो या किसी को कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो वो भी सोसाइटी में इनकम के तौर पर ही जा रहा है, राइट। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो टोटल किसी न किसी फैक्टर इनकम में बटी हुई है, तो फैक्टर इनकम बोलते या टोटल आउटपुट बोलते बात एक ही है, ठीक। तो एग्रीगेट सप्लाई वही होगा जो इनकम है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का पढ़ने का, वो टॉपिक है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ऐसा लेवल जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए, तो आपको वो लेवल देखने को मिलेगा, वो लेवल है ये रहा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है वो बराबर है, यानी कि इस लेवल पर जो है टोटल एक्सपेंसेस और टोटल जो हमारी सप्लाई है वो बराबर है, इस लेवल पर जो है इकोनॉमी को बने रहना चाहिए, राइट। इसको हम शेड्यूल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और यदि हम इसको देखें, यदि इसको हम देखें कि इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको यदि हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एग्रीगेट सप्लाई के लिए आप एक लाइन बनाएंगे तो ये पॉजिटिव अपवर्ड साइड एक लाइन बनेगी एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन, और यदि एग्रीगेट डिमांड के लिए आप लाइन बनाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड दो चीज मिलकर बना है, एक तो कंजप्शन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो आप देखेंगे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की यदि आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट की हम इनमें लाइन बनाओ तो ये तो बिल्कुल एक सीधी सी लाइन बन जाएगी इन्वेस्टमेंट की, और कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अब मैंने मान लीजिए कंजप्शन की लाइन बनाई, ये रहा कंजप्शन, इसमें मैंने 5 रुपीज का इन्वेस्टमेंट प्लस करूंगा तो मुझे एक लाइन और बना सकता हूं मैं जो कि बन जाएगी एग्रीगेट डिमांड, ठीक। और जहां पर ये दोनों बराबर है उसी लेवल को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्या बोलूंगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर है यानी कि ये वाला लेवल, इस लेवल को मैं बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। इसको मैं क्या बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो अभी टॉपिक था, इस टॉपिक में हमें यही सिर्फ डिस्कस करना था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं, या इसको डिटरमाइन करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके रिप्रेजेंट करना है, आपको सिंपली एक टेबल बनाना है, टेबल में आप 0, 10, 20, 30, 40, 50 ले लीजिए, फिर आप कंजप्शन को मिनिमम कंजप्शन मान लीजिए आपने 10 माना है, इसके बाद में 0.5 यानी कि इसका 50% प्लस करते जाइए, जो भी इनकम है कंजप्शन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आप प्लस कर दीजिए, आपको एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी, उसके बाद यही जो इनकम होती है वही की एग्रीगेट सप्लाई होती है, दोनों आप देखेंगे कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है उसी लेवल को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
इनकम। ये जो चैप्टर नंबर 7 है जिसमें इनकम डिटरमिनेंस वाली जो बात है वो उसमें मेनली मेन बात यही है। अब जो चैप्टर नंबर 8 आएगा कि इकोनॉमी यदि इससे अबव चल रही है तो क्या होगा, इससे यदि नीचे चल रही तो क्या होगा, इन सब बारे में बातचीत करेंगे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।